हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल फिल्मी बॉक्स ऑफिस पर। तो बात करेंगे आज इस वीडियो में, रिव्यू होगा या रोस्ट वो आपका डिसीजन है कि आप क्या कहते हो कि हमारा रिव्यू है या रोस्ट। पहले बात करेंगे कंगना रनौत के अपकमिंग, तो नहीं कह सकते क्योंकि प्रीमियर हो चुका है लॉकअप को लेकर, क्योंकि उनका रियलिटी शो है जिसके वो होस्ट बने हुए हैं। तो बस जानेंगे कि लॉकअप का फर्स्ट सीजन कैसा रहा, बोले तो फर्स्ट एपिसोड कल प्रीमियर हुआ था रात को। तो ऐसे में रिव्यू रोस्ट करने आए हैं हम, बोले तो विदा है। पहले बात करें शो को लेकर, यार शो का जो कॉन्सेप्ट है मेरे को थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा लगा, जो कि प्रीमियर हो रहा है अजीत बालाजी और एमएक्स प्लेयर पर। अगर आप देखना चाहते हो, कंगना रनौत के डाई हार्ट फैन हो, तो अगर टाइम वेस्ट कर सकते हो अजीत बालाजी या फिर एमएक्स प्लेयर पर रात 10 बजे, समझे ना। तो अब बात करते हैं शो को लेकर। यार शो का कॉन्सेप्ट इतना कुछ खास है नहीं, और ख़ासतौर पर मैं डर गया यार, सही बताऊँ यकीनन इसकी सज़ा को देखकर। पनिशमेंट इतनी खतरनाक है यार, मैं खुद हैरान हूँ। गजब। पहली पनिशमेंट कि बंदे को, मतलब जो बोलते हैं ना, पहली बात तो जो अगर सिस्टम है, यानी कि आप कह सकते हो कहीं ना कहीं इन्होंने कॉपी किया है बिग बॉस से। जैसे बिग बॉस का है ना पूरी स्ट्रक्चर, सेम कॉपी किया है, लेकिन क्वालिटी थर्ड क्लास। वैसे जो इसका कॉन्सेप्ट है जेल का है, सभी को पता है पनिशमेंट वगैरह जो भी लॉकअप है, इसीलिए टाइटल दिया है इसको, माना। लेकिन जो कंडीशन है जेल से भी वर्स्ट। ये मतलब बंदों को तुम 72 दिन तक रखने वाले हो, थोड़ी सी क्वालिटी दो यार। पनिशमेंट देख के मैं भी खुद हैरान हूँ। पहली पनिशमेंट, अगर आप नहाने जाओगे, गेट तो है ही नहीं, आपको कर्टेन दिए जाएंगे, बोले तो पर्दे, उससे आपको कवर करना है, पर्दे नहीं मिलेंगे। वाह यार क्या सजा है, मेरे जैसा बंदा नहाए ही ना 72 दिन तक। और यकीन है मुझे खुद पर कि मैं नहाया भी नहीं हूँ। जी हाँ, आज नहाया वो बात अलग है, लेकिन मैंने भी रिकॉर्ड बनाए हुए हैं अपने नहाने के, मैं कोई चीज़ छुपाने वाला नहीं हूँ, क्लियर। और दूसरा है भाई कि आप गटर में जाओगे जब भी हल्का होने, कहने का मतलब ये है इनका कि आपको टिश्यू पेपर नहीं दिया जाएगा। और तीसरी सजा इनकी ये थी, वक्त आने पर तुम्हारा दाना पानी बंद कर दिया जाएगा। अगर आपको दाना पानी बंद हो ही गया है तो आप गटर में क्या करने जाओगे, ये बात सोचने वाली है। मतलब इसकी पनिशमेंट बिना बेहूदा है, मतलब कि आप कह सकते हो वेस्ट ऑफ टाइम। मैंने केवल फर्स्ट हाफ देखा, फर्स्ट एपिसोड का भी, जब फर्स्ट कंटेस्टेंट की एंट्री होती है, और वो बंदा मेरे को काफ़ी जेन्युइन लगा, काफ़ी हद तक काफ़ी यूनिक लगा। उसकी बातों में ईमानदारी थी, और बंदे की जो भी बोला था एक एक वर्ड्स सच्चाई की तरफ जा रहे थे, ये मेरा मानना है। लेकिन यार सही बताऊँ ना, मैं इस शो को, कंटेंट को आगे कंटिन्यू नहीं कर सकता, क्योंकि यार आज के लोग, आज की जो ऑडियंस है, एक मतलब बोले तो यार देने वाले, खासतौर पर अजीत बालाजी को ले लेते हैं, कंटेंट के नाम पर आजकल कुछ भी दे रहे हैं, कुछ भी, मतलब जो मन में आया वो दे दिया। जो कॉन्सेप्ट है इसका मेरे को किसी भी हद तक सही नहीं लगा, यूनिक नहीं लगा। आपकी क्या ओपिनियन है, क्या ये जो वाजिब है जो कंटेंट? और ख़ासतौर पे यार मजाक तो जब हुआ, जब रवीना टंडन की एंट्री होती है यार, चीज़ एक लिमिट तक अच्छी होती है, लेकिन ओवर जा रहे हैं यार, फ्लो से भी ओवर। इनकी बातें देख के मैं भी खुद हैरान हूँ, तो इतनी फैकोलॉजी कौन करता है ये? हम तो आम बंदे हैं, हम कर सकते हैं, हम चल सकते हैं, लेकिन ये जिस पोस्ट पर है, जिस लेवल पे है इनका, इनकी जो अहदा है इस वक्त, जाने माने सेलिब्रिटी है, हर कोई इन्हें जानता है, पहचानता है। और उस वक्त इनका यार मतलब बोलते हैं ना, वर्ड्स नहीं है इनके लिए, ये इतने बड़े जजमान हैं, सही बताऊँ तो मैं। आपका क्या ओपिनियन है वाकई में? अगर आपने फर्स्ट एपिसोड देखा तो आपको कैसा लगा? मेरे को बेतुकी से ज़्यादा कुछ नहीं लगा। फर्स्ट कंटेस्टेंट की एंट्री मस्त लगी, एंट्री बोली तो यार, जो उस बंदे ने बात बोली। अदरवाइज कंगना की आवाज़ में भी आपने देखा हुआ दम नहीं है। ट्रेलर एक बार के लिए खास था, सही था, लेकिन अब जब आपने देखा होस्ट के तौर पर वो बोल रही थी, बातें कर रही थी, उनकी आवाज़ में जो अंदर से आनी चाहिए ना आवाज़, वो नहीं थी, दम नहीं था। और मुझे लगता है जो ये शो है इतना ज़्यादा नहीं चलेगा। 10 दिनों के बोले तो 10 वीक के लिए उन्हें जेल के अंदर डाला गया है, बोले तो तकरीबन 70 दिन, 72 दिन का पूरा ये शो बताया जा रहा है। 2 दिन बाद, मतलब कि जेल काटने के 2 दिन बाद उनको बताया जाएगा कि भाई कौन जीता कौन नहीं। वेल, आपकी ओपिनियन क्या है शो को लेकर, कमेंट में मेंशन कीजिएगा। मुझे तो यार ये शो अच्छा नहीं लगा, आपकी ओपिनियन क्या है कमेंट में मेंशन करना। वेल, आपको याद हूँ आप मेरे अगेंस्ट जा सकते हो, मुझे इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है, अगेंस्ट मतलब कि कमेंट्स कर सकते हो, आपको अच्छा लगा हुआ, मैं मना नहीं कर रहा, क्योंकि हर किसी की ना थिंकिंग, सोच एक नहीं होती, मेरा ये मानना है। तो मेरी सबसे अलग है, और मेरी नज़रों में हमेशा जो बिग बॉस है ना अव्वल रहेगा। बिग बॉस जैसा कोई शो हो नहीं सकता, और सिद्धार्थ शुक्ला जैसा कोई कंटेस्टेंट मिल नहीं सकता, ये मेरा मानना है। आपकी ओपिनियन कमेंट में मेंशन करना, पर आपकी कमेंट मेरी कमेंट मानी जाएगी। बाय, टेक केयर।